नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़ी दो बड़ी खबरों के बारे में। जी हाँ, डिफेंस से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर है, जहां पर एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल गया है, सिक्योर कर लिया है भारत ने, और साथ ही में एक इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में भी एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर भारत की सरकार ने इश्यू किया है, तो उसके ऊपर इस वीडियो में नजर डालेंगे। दूसरा जो है, उसमें जो मोबाइल गेमिंग वाले हैं, उसमें भी खास करके कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं या फिर पबजी खेल रहे हैं या फिर काउंटर स्ट्राइक खेलते हैं, उन लोगों के लिए ये जो वेपन है वो काफी इंटरेस्टिंग है, जिसका ऑर्डर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आया है। तो उस वेपन से रिलेटेड जो खबर है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और साथ ही में यहाँ पर क्यूआर कोड लगा हुआ है, तो अपनी क्षमता के अनुसार जो भी सपोर्ट कर सकते हैं, जितना भी फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं जरूर करें, ताकि इस प्रकार की खबरें हम आप लोगों लाते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो खबर है, जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जिसमें एक वेपन को एक्वायर करने की बात की गई है, उसके बारे में बात करेंगे। अब ये एक ऐसा वेपन है जो भी डिफेंस एंथुसियास्ट हैं, जो भी आर्मी फैंस हैं, जो भी सीओडी प्लेयर्स हैं, पबजी प्लेयर्स हैं या फिर काउंटर स्ट्राइक प्लेयर्स हैं, उन लोगों को काफी ही अट्रैक्ट करता आया है काफी लंबे समय। ये वेपन है एक स्नाइपर राइफल। जी हाँ, भारत सरकार ने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, और उसमें भी खास करके जो सीआरपीएफ है यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस को, उन लोगों के लिए 200.338 लैपवा मैग्नम स्नाइपर राइफल का ऑर्डर इश्यू किया है। अब ये जो राइफल है वो ओरिजिनली फिनिश राइफल है, लेकिन उसका प्रोडक्शन संभवतः इंडिया में ही होगा। इसका टेंडर जस्ट ही निकला है, तो कौन ये ऑर्डर प्रोड्यूस करके सीआरपीएफ को सप्लाई करेगा उसके बारे में स्पष्टता नहीं आई है। जैसे ही अपडेट आएगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बात करते हैं ये जो पर्टिकुलर गन है, स्नाइपर राइफल है, उसके बारे में। तो ये जो पर्टिकुलर स्नाइपर राइफल है उसकी जो क्षमता है वो 1.5 किलोमीटर दूरी तक मार करने की है, यानी कि तकरीबन 1500 मीटर की दूरी तक ये गन से मार किया जा सकता है। इस गन से किसी को भी शूट किया जा सकता है। अब जैसे कि हमने आपको बताया ये सीआरपीएफ के लिए है, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ज्यादातर जब हम लोग पुलिस का नाम सुनते हैं तब हमारे दिमाग में वो खाकी वर्दी वाला एक स्टीरियोटिपिकल इंप्रेशन आता है, लेकिन यहाँ पर बात है सीआरपीएफ की। ये जो यूनिट है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती, बल्कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और इसके कुछ स्पेशल यूनिट्स हैं जिसमें आते हैं आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स, जो हर एक स्टेट में अलग अलग जगहों पर उपस्थित रहती है, और जब भी कहीं पर भी अगर रायट्स की परिस्थिति खड़ी होती है, उन्माद की परिस्थिति खड़ी होती है, जो स्टेट पुलिस को संभालने में मुश्किल हो रही हो, वहां पर आरएएफ को बुलाया जाता है, रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया जाता है। वो भी सीआरपीएफ का एक पार्ट है, सीआरपीएफ की एक स्पेशल यूनिट है, तो उन लोगों के लिए ये स्नाइपर राइफल यूज हो सकती है, लेकिन वहां पर ज्यादा इसका काम नहीं पड़ता है। दूसरी जो स्पेशल यूनिट है वो है स्पेशल ड्यूटी ग्रुप। अब ये जो स्पेशल ड्यूटी ग्रुप है उन लोगों का मेन जो काम है वो है पीएम रेसिडेंस को प्रोटेक्ट करना। जी, पीएम के जहां पर हाल में नरेंद्र मोदी जी रह रहे हैं, उनके रेसिडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हाल में सीआरपीएफ के ये जो पर्टिकुलर स्पेशल ड्यूटी ग्रुप, उसके 1000 यूनिट्स हाजिर। ये जो 1000 यूनिट है वो उस रेसिडेंस को आउटर पेरिफरी में कॉर्डन करते हैं, और वहां से किसी भी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को या ऐसे किसी भी संदिग्ध वाहन को आने से रोकते हैं। और इस प्रकार से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, चाहे हाल में नरेंद्र मोदी हो चाहे पास में कोई भी अन्य हो, उन लोगों की सुरक्षा के लिए ये लोग तैनात रहते हैं। तो ये एक और यूनिट है स्पेशल ड्यूटी ग्रुप। उनका एक और काम है वीआईपी सिक्योरिटी के लिए। जब ऐसे कोई वीआईपी आते हैं भारत में, या फिर भारत में ऐसे कोई वीआईपी हैं जिनको सिक्योरिटी की जरूरत है, तो उन लोगों के लिए भी इन सीआरपीएफ के यूनिट्स लगाया जाए, तो वहां पर भी इस प्रकार के स्नाइपर्स का यूज हो सकता है कुछ मात्रा में। तीसरा जो टाइप वो है कोबरा, जिसको कोबरा कमांडोज के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कोबरा कमांडोज हैं, जिसका फुल फॉर्म है कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, ये एक ऐसा स्पेशल यूनिट है जिसको स्पेशली नक्सल हिट जो इलाके हैं भारत में, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, बिहार में हो, उड़ीसा में हो, या फिर अन्य कहीं भी जगह पर, उन ऐसी जगह पर उन लोगों को तैनात किया जाता है। वे लोग आसाम में भी उपस्थित हैं, मेघालय में भी उपस्थित हैं, और मध्य प्रदेश में भी उपस्थित हैं, और उसके अलावा भी कुछ अन्य राज्यों में भी इनकी उपस्थिति देखी गई है। तो ये जो पर्टिकुलर कोबरा कमांडोज हैं, ये लोग नक्सल से लड़ रहे हैं, उग्रवादियों से लड़ते हैं, जो भारत में उन्माद फैलाना चाहते हैं, जो भारत में उन्माद फैलाते हैं, और वहां की उस रीजन की जो सरकारें हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन लोगों को काम करने में बहुत सारी बाधाएं डालते हैं, और उन लोगों के पास ज्यादातर केसेस में हथियार भी होते हैं।
उसी के चलते उनको काउंटर करने के लिए सीआरपीएफ का ये स्पेशल यूनिट वहां पर तैनात किया जाता है। तो इन लोगों ये जो स्नाइपर राइफल्स है वो काफी ही यूज में आ सकते हैं, क्योंकि वहां पर वो जो जगहें हैं वो ज्यादातर जंगल वॉरफेयर हैं, तो उन जगहों के लिए स्नाइपर राइफल्स दूर से वार करने वाले हथियार काफी ही यूज में आते हैं। तो उन लोगों के लिए भी संभवतः ये पर्टिकुलर जो ऑर्डर दिया गया है जिसमें 200.338 लैपवा मैग्नम स्नाइपर राइफल्स का ऑर्डर इश्यू किया गया है वो किया गया है, और साथ ही में इसी राइफल के लिए 20,000 एम्युनेशन का भी ऑर्डर इश्यू किया गया है। तो इसी प्रकार से भारत सरकार द्वारा सीआरपीएफ के लिए स्पेशल 200 यूनिट लैपवा मैग्नम स्नाइपर राइफल का ऑर्डर इश्यू किया गया। आने वाले समय में देखना होगा कि कौन सी कंपनी ये ऑर्डर प्रोड्यूस करती है। यूजुअली SSS डिफेंस है जो इस प्रकार के ऑर्डर्स लेती है और उसको प्रोड्यूस करके भारत सरकार को और जो भी कंसर्न एजेंसीज हैं उन लोगों को सप्लाई करती है, लेकिन फिर भी ये ऑर्डर किसके पास जाता है वो देखना होगा। जैसे ही अपडेट आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये थी एक बड़ी खबर। दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर भारत में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया ने और साथ ही में स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री ऑफ कानपुर ने एक यूरोपियन कंट्री के 2000 मैग मशीन गन्स को प्रोड्यूस करने का ऑर्डर सिक्योर किया है। जी हाँ, भारत की कानपुर में स्थित स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री को एक यूरोपियन कंट्री से 2000 मशीन गन्स प्रोड्यूस करने का ऑर्डर मिला है। अब ये जो मशीन गन्स हैं उनका अगर डायमेंशन देखें, जो जानने लायक है, ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, तो इसका जो वेट है वो तकरीबन 11 किलो के आसपास बताया जा रहा है, और साथ ही में इसका जो फायर पावर यानी कि एक मिनट में ये कितनी गोलियां दाग सकते उसकी जो कैपेसिटी है वो दिल थाम के रखिए। ये गन एक मिनट में 600 से 1000 राउंड गोलियां दाग सकते। जी हाँ, एक सेकंड के अंदर ऑन एन एवरेज कम से कम ये 10 गोलियां फायर करने की कैपेसिटी रखती है। तो ऐसी मैग MMG यानी कि मीडियम मशीन गन का ऑर्डर भारत में कानपुर में स्थित स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री को मिला है। तो उसके लिए सबसे पहले हम उन लोगों को और भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई देंगे, क्योंकि ये जो ऑर्डर मिला है ये ऐसी कंपटीशन के सामने मिला है जो कई सारे सालों से ऑलरेडी मार्केट में है, और वे लोग इतने बड़े लेवल पर काम करते हैं कि वे लोग एक अपनी लॉबी चलाते हैं और कहीं नहीं, खुद यूएस में एक पूरी गन लॉबी है जो वहां की सरकारों को फंड करती है, और वहां पर जो गन लॉज हैं उसको लिबरल रखने के लिए और साथ ही में पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर उन्माद फैलाने के लिए कॉन्स्टेंटली उन लोगों को प्रमोट करती रहती हैं, कॉन्स्टेंटली उन लोगों को एंडोर्स करती हैं, पुश करती हैं, ताकि इन लोगों के वेपन वहां पर सेल हो सके। तो उन लॉबीज के सामने भारत की कंपनी ने और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये ऑर्डर सिक्योर किया है एक यूरोपियन कंट्री के पास से। तो ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारत की डिफेंस इंडस्ट्री ने सिक्योर किया है, अचीव किया है। तो उसी के चलते हम फिर से एक बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को और स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री ऑफ कानपुर इसके लिए खास बधाई देना चाहते हैं। आशा रखते हैं कि इस प्रकार के ऑर्डर्स और भी वे लोग सिक्योर करते जाएं, सिर्फ यूरोपियन कंट्री से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से, ताकि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो और भी बढ़ सके और भारत का जो ओवरऑल GDP ग्रोथ है उसमें इजाफा हो सके, उसमें एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो सके। तो इसी प्रकार से दो बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें डिफेंस से और इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आप क्या सोचते हैं इन खबरों के बारे में ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और QR कोड के जरिए हमको फाइनेंशियल सपोर्ट करना भी ना भूलें, ताकि इस प्रकार की खबरें हम आप लोगों के साथ साझा करते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर भारत।